जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है काइंडली आपने वीडियो को फुल वॉच करना है यकीन करें आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मैं सलूशन ले आई हूँ खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नज़दीक हैं जो अपने काले रंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो जो पॉलर जा जा थक चुकी हैं और अब उनमें हिम्मत नहीं है पार्लर जाने की तो उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो वीडियो है तो उससे पहले जी आप सबको असलम केसिन जी आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी थोड़े से दूध के साथ आज हम आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो चलें जी करते हैं हम रेमेडी का आगाज़ तो उससे पहले हमें चाहिए एक छोटा सा बाउल बाउल हमने ले लिया है उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है चावल का आटा वो आपने एक टेबल स्पून ले लेना है भर के लेना है ठीक है आपने आटा यूज़ करना है एक दरदड़ा सा हो जाता है ना वो वाला यूज़ नहीं करना उसके बाद हमने लेना है जी दूध दूध आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा ठंडा नहीं आपने फ्रिज से निकाल के नहीं लेना और ना ही आपने ज़्यादा गर्म जब हम दूध वाले से दूध लेते हैं ना तो उस वक्त ही आपने अपने लिए अलहदा से दूध निकाल के रख लेना है और इन दोनों चीज़ों के बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है इसको दस मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना ताकि अगर इसके अंदर कोई भी चावल वगैरह का थोड़ा बहुत जो है ना कनी वगैरह हो तो वो भी जो है ना मिक्स हो जाए तो यहाँ पर जी दस मिनट हो चुके थे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह सा क्रीमी सा बन जाएगा ठीक है और बहुत ज़बरदस्त बहुत इजी है इसके बाद हमने इसके अंदर जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है ना वो आपने दस मिनट के बाद ही ऐड करनी है इस तरह से हमने ले लेना है एक लेमन लेमन जो है वो आपने पूरा इसके अंदर ऐड नहीं करना लेमन आपने इसके अंदर सिर्फ हाफ़ ही ऐड करना है और जहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो वो लेमन को स्किप भी कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है जब हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे और फिर हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे यकीन करें ये ऐसे हो जाएगा जैसे कोई क्रीम हो ये देख सकते हैं आप और ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसके बाद चौथी जो चीज़ जाएगी वो है एलोवेरा एलोवेरा बहुत अच्छी है अगर आपके पास बाजारी है तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास घर में प्लांट लगाएँ तो वो वेल एंड गुड है आप एलोवेरा का प्लांट घर में लगाएं इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये आपकी स्किन के लिए आपके बालों के लिए बहुत जगह पर ये ना यूज़ कर सकते हैं आप और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो यहाँ पर मैं चम्मच के साथ जो है ना इसकी जेल बना लूँगी और इसके अंदर ऐड कर लूँगी बहुत इजी है और बहुत आसानी से यह टिप जो है ना वो रेमेडी तैयार हो जाएगी आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो साथ साथ में आप लोगों को समझाऊंगी कि आप लोगों ने कैसे इसको यूज़ करना है कितने मिनट लगाना है कितने मिनट आपने मसाज करनी है सारे तरीके बताऊंगी तो यहाँ पर जो है ना हमारी क्रीम कुछ बन के इस तरह से रेडी हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है ताकि यह क्रीमी शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर ले तो अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ आप लोगों ने चेहरे पर लगा के कुछ यूँ अपने चेहरे पर इस तरह से मसाज करनी है दोनों साइड पे इस तरह से ठीक है फिर अपनी नोज को भी यहाँ पे भी अक्सर जो है ना वो ब्लैकनेस आ जाती है तो फिर आइज के ऊपर जो है ना आइज के जो साइडों पे होते हैं ब्लैक सर्कल तो वो भी रिमूव हो जाएंगे अपने हेड पे अच्छे से मसाज करनी है अपने अपर लिप पे आंखों पे आपने पाँच मिनट तक राउंड में एक तरफ फिर राउंड में दूसरी तरफ आपने मसाज करनी है फिर इस तरह से आपने बहुत इजी तरीके से आप मसाज कर लेंगी और यकीन करें बहुत ही बेबी स्किन आपकी निकल आएगी तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब बता चुकी हूँ कि आपने चेहरे पर कैसे अप्लाई करना अब मैं आप लोगों को हाथों पर अप्लाई करके दिखाती हूँ और लाइव रिजल्ट दिखाऊँगी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं आपने पहले मेरे हाथों का हशर देख लिया है अब लगाने के बाद जितनी इनके ऊपर से मैल उतरेगी और जितने ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे मैं खुद देख के हैरान रह गई हूँ मैंने खुद इसको ट्राई किया है ट्राई करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आपने लगा के 10 मिनट छोड़ देना है 10 मिनट के बाद आपने जो है ना वो 5 मिनट आपने बहुत अच्छे तरीके से मसाज करने हैं आप हाथों पे लगाएं चेहरे पे लगाएं गर्दन पे लगाएं पाओं पे लगाएं सब जगह पे ये सूट कर जाती है और जिनकी शादियां नज़दीक है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है जो काले रंग से परेशान है ये स्किन को टाइट करती है ब्राइट करती है बहुत ही ये फायदेमंद चीज़ है मैंने इसको यूज़ किया है बहुत मुझे इसके जो है ना वो बेनिफिट्स नज़र आए तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे आप लोगों के सामने और आप देखेंगे कितनी इसके मेरे हाथों पर मैल उतरी है और कितना ब्लैक पानी होगा गया है इसके साथ साथ आप बावजू रहा करें नमाज पढ़ा करें और नमाज पढ़ने से भी आपके चेहरे पर नूर आता है आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी जब आप ये मेरी रेमेडी यूज़ करेंगे छोटी सी रेमेडी है बहुत इजीली बन जाती है ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये देखें अब आप रिजल्ट देखें मेरे हाथों का मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आए तो मैं आप लोगों को नाइट क्रीम बनाने का भी तरीका बताऊंगी वो भी बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आप हाथों पे शाइन देख सकते हैं हाँ एक और बात आपने ये रेमेडी यूज़ करने के बाद कोई भी हाथों पर लोशन कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं लगानी और दूसरे दिन आपने लगानी जिस दिन आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है उस दिन आपने नहीं लगानी और इसको आपने हफ्ते में दो यूज करना है यकीन करें आपका जो है ना वो स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा हाथ पाँव नेक सब चीजें जो चमकदार हो जाएंगी आपको पॉलर जाने की जरूरत नहीं रहेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा मुझे दे इजाजत हाफिज